डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस मेटल्स बताया था, तो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि फेरस मेटल्स में फेरस जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है तो वो भी वेरियस फॉर्म्स में आज कल से हम लोग को मिलता है। तो हम लोग आयरन किस किस फॉर्म में मिलता है ये हम लोग थोड़ा आज देखते हैं। तो सबसे पहले आयरन ओर्स हमको ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी मिलता है और सल्फाइड्स के फॉर्म में भी मिलता है। तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में आयरन ओर मैग्नेटाइट, फिर हेमाटाइट और सिलिकन के फॉर्म में हमको मिलता है। तो मैग्नेटाइट का केमिकल फॉर्मूला Fe3O4 होता है जो हमें ब्लैक कलर में मिलता है। उसी तरह हेमाटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है जो हमें रेड कलर में मिलता है। सिट्राइट का फॉर्मूला Fe2O3 और H2O ये आपको ब्राउन कलर में मिलेगा। हेमाटाइट ये हाईली आयरन कंपोनेंट इसमें होता है जिसमें कार्बन का परसेंटेज आयरन का परसेंटेज 70% रहता है। मैग्नेटाइट में 72% का आयरन रहता है लेकिन ये हर जगह में मिल नहीं सकते, इसीलिए हम इसका बहुत ही कम यूज करते हैं। ज्यादातर हम लोग हेमाटाइट का यूज करते हैं क्योंकि वो इजिली अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद सिट्राइट में का आयरन परसेंटेज 60 से 65 है। इसका भी बहुत ही कम यूज होता है लेकिन सबसे ज्यादा हेमाटाइट का यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिट्राइट। सिट्राइट क्या है, कार्बोनेट फॉर्म है आयरन ओर का जिसमें फॉर्मूला FeCO3 होता है जिसका कलर ब्राउन है। उसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड के फॉर्म में हमको आयरन ओर में पाइराइट मिलते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला Fe2 है। ये जनरली नॉन यूज नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग में, किसी आयरन ओर को हम निकालना है ये जनरली यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें आयरन का परसेंटेज 30 से 40% ही होता है, इसीलिए कमर्शियली बेनिफिट नहीं है, इसलिए मैक्सिमम लोग इसका यूज करते हैं हेमाटाइट का। तो अब फेरस मेटल एलॉय, कल मैंने जैसे फेरस एलॉय के बारे में थोड़ा क्लासिफिकेशन दिया था, फेरस मेटल 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कार्बनिस्टी अलॉय, उसी से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले फेरस एलॉय में पिग आयरन आते हैं। पिग आयरन क्या है, ये क्रूड फॉर्म ऑफ आयरन है, मींस ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं, रॉ मटेरियल। किनके किनके लिए, ये पिग आयरन है, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील और जितने भी फेरस एलॉय है उनके लिए क्रूड ऑयल या रॉ मटेरियल, क्रूड मटेरियल और रॉ मटेरियल यूज होते हैं। तो आखिर ये पिग आयरन बने कैसे, सबसे पहले ये 3 स्टेप्स बनते हैं, 1, 2, 3, ये ऑब्टेन फ्रॉम द बिलो प्रोसेस, जो नीचे प्रोसेस दिए हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस, जब भी हम पिग आयरन बनाएंगे वो जो आयरन और अगर कोई भी लेंगे तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस से वो गुजरेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज बाय वॉश विद वाटर, वो उसमें जो आयरन और हम लेंगे इसमें बहुत सारे डस्ट, डर्ट, क्ले, इम्प्योरिटीज के फॉर्म में रहते हैं, उनको हम वॉश करते हैं वाटर से। तो जब वॉश करेंगे तो उसमें का सारा इम्प्योरिटी बैठ जाएगा और हमको ऊपर में फेरस एलॉय मिलेगा। उसके बाद हम इसमें रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन, वो डिपेंड करेगा कि उसमें कार्बोनेट है कि सल्फाइड है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हम लोग लेंगे, उसमें क्या होता है एक्सपेलिंग मॉइस्चर, उसमें से हम लोग एक्सपेल करते हैं बाहर निकालते हैं क्या क्या, सबसे पहले मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर बात करें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस में मॉइस्चर हट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो भी हट जाएगा, सल्फर होगा वो भी हट जाएगा, आर्सेनिक होगा वो भी हट जाएगा। बाय हीटिंग इन उसको हीट करना पड़ेगा आयरन ओर को इन शैलो किल्न्स, शैलो किल्न्स मतलब होता है उठा हुआ फर्नेस में, ऐसे यहाँ पे रख देंगे आयरन ओर को
उसे में हिट करने से ये निकल जाएंगे इंप्योरिटी। उसके बाद है स्मेल्टिंग प्रोसेस, ये कॉन्सेंट्रेशन रोस्टिंग के बाद आता है स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसको हम रिड्यूस करवाते हैं आयरन ओर को, जो इस प्रोसेस और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आयरन ओर आया उसको हम रिड्यूस करवाते हैं फिर कार्बन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के प्रेजेंस में। फ्लक्स कौन कौन से इसमें फ्लक्स रहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट्स, ये सब उसमें फ्लक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लास्ट में आपको ये कंपोजिशन हमको मिलेगा। तो इसमें कंपोजिशन क्या क्या होता है पी आयरन का, सबसे पहले 90-92% आयरन इसमें होते हैं, 1-5% कार्बन होते हैं, 1-2% सल्फर, मैगनीज, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ये 1-2% ये चारों इंच रहते हैं, मतलब हर एक का 1-2% इसमें अमाउंट रहता है। तो ये हो जाएगा मेरा कंपोजिशन पी आयरन का। तो अब ये कंपोनेंट को हम याद कैसे करेंगे, यहाँ पे 1-2-3-4 कंपोनेंट है, तो इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे है CSMSP, ये थोड़े आपको याद करने पड़ेंगे। C फॉर कार्बन, S फॉर सल्फर, M फॉर मैंगनीज, S फॉर सिलिकॉन और P फॉर फास्फोरस, ये आपको याद रखने पड़ेंगे ट्रिक्स। ये सारे इंप्योरिटीज हैं इन पिग आयरन। अब चलते हैं पिग आयरन में कार्बन किस किस फॉर्म में रहते हैं। तो कार्बन इन पिग आयरन हैव टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में कार्बन प्रेजेंट होते हैं पिग आयरन में। तो सबसे पहला फॉर्म कौन सा है, फ्री फॉर्म, और दूसरा कंबाइंड फॉर्म। तो फ्री फॉर्म होते हैं कार्बन, वो ग्रेफाइट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं पिग आयरन में। अगर वो ग्रेफाइट के फॉर्म में है तो कोर्स ग्रेन प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये एक मेटल मान लीजिए एलॉय मान लेते हैं पिग आयरन का, इसमें जो ग्रेन साइज होंगे वो ऐसे होंगे। ये जो है कोर्स ग्रेन की वजह से पिग आयरन सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। कोर्स ग्रेन ग्रेफाइट का फॉर्म कार्बन का पिग आयरन में सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। अब कंबाइंड फॉर्म में कार्बाइड के फॉर्म में रहता है कार्बन पिग आयरन में। तो जब भी कार्बाइड के फॉर्म में रहेगा कार्बन, वो फाइन ग्रेन प्रोवाइड करेगा। फाइन ग्रेन प्रोवाइड करेगा मतलब, या अगर आयरन एलॉय मान भी सकते हैं, पिग आयरन मान भी सकते हैं, इसमें जो ग्रेन स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा। फाइन ग्रेन की वजह से वो हार्डनेस प्रोवाइड करेगा पिग आयरन को, ठीक है। अब ये तो हो गया पिग आयरन सारे, अब चलते हैं रॉट आयरन में। रॉट आयरन क्या होता है, रॉट आयरन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, जिसमें 99.5% से लेकर के 99.9% तक फेरस प्रेजेंट होता है और 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसमें रॉट आयरन में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आयरन रहता है, इसलिए ये कॉमर्शियली बेनिफिशियल है। अब आते हैं रॉट आयरन जो होता है वो टफ होता है, मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। ये प्रॉपर्टी ही है किसी भी मटेरियल का, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि टफ, मेलिएबल और डक्टाइल क्या क्या होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट, कांट स्टैंड सडन एंड एक्सेसिव शॉक। इसका हम यूज वैसे जगह नहीं कर सकते जहाँ पे एक्सेसिव शॉक हो, एक्सेसिव मतलब बहुत ही ज्यादा झटके महसूस होते हो, या फिर अचानक से कोई झटके महसूस होते हैं, उसकी जगह हम लोग इनको यूज नहीं कर सकते। इजली फोर्ज रॉट आयरन का हम लोग इजली फोर्ज कर सकते हैं और वेल्ड भी कर सकते हैं, कहीं भी अगर वेल्डिंग काम है उसमें अगर हम रॉट आयरन यूज करेंगे वो आसानी से वेल्ड हो जाएगा, फोर्ज भी वो आसानी से हो जाएगा। फोर्जिंग क्या होता है और वेल्डिंग क्या होता है हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए आज ऑब्जेक्टिव्स पर देखिए जाए, जितने भी आज हम लोग डिस्कशन किए हैं। सबसे पहले आयरन ओर मोस्टली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन, कौन सा ऐसा आयरन ओर है जो मोस्टली यूज है प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन के लिए। तो अभी बताया था हेमाटाइट में 70% का आयरन होता है और वो इजिली अवेलेबल है, इसलिए हेमाटाइट हम लोग अधिकतर यूज करते हैं। नेक्स्ट है
हेमाटाइट आयरन ओर कंटेन्स आयरन अबाउट 70%, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 70% आयरन था, इसलिए हेमाटाइट में 70% आयरन होता है। नेक्स्ट, आयरन ओर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, अब जो आयरन ओर होता है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। ऑक्साइड्स जैसे हमने पढ़ा था कि मैग्नेटाइट, फिर लिमोनाइट, उसी तरह कार्बोनेट्स, कार्बोनेट जैसे सिट्राइट, सल्फाइड जैसे पाइराइट, ये सब फॉर्म हम लोग पढ़े थे ना अभी, तो उसी फॉर्म में आयरन ओर पाया जाता है। स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ, स्मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस है? स्मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें आयरन ओर को हम रिड्यूस करवाते हैं विद कार्बन, कार्बन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लास। नेक्स्ट क्या है कि ब्लास्ट फर्नेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, ब्लास्ट फर्नेस किस आयरन ओर को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है? तो सब क्या था, पिग आयरन। पिग आयरन को हम लोग प्रोड्यूस जब भी करते हैं तो वो ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।